हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन विद अनदर वीडियो। और इस वीडियो में अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू होने वाला है जुपिटर मनी डेबिट कार्ड का। सो गाइस, ये एक डिजिटल सेविंग अकाउंट है जो कि आप अवेल कर सकते हैं, ऑनलाइन ओपन कर सकते हैं। ब्रांच जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसके ब्रांच है नहीं। बेसिकली ये फेडरल बैंक से अफिलेटेड है, फेडरल बैंक की को ब्रांच है, फेडरल बैंक से ही इशू होता है सारा इसका डेबिट कार्ड हो या कोई भी ट्रांजेक्शन हो। तो मेन ब्रांच इसकी फेडरल बैंक है, तो पार्ट ऑफ फेडरल बैंक जुपिटर मनी। तो सब ऑनलाइन होता है इसका सारा ट्रांजेक्शन, कोई ब्रांच नहीं है, ब्रांच जाके पैसे जमा नहीं कर सकते। तो मैं इसका आपको अनबॉक्स करता हूँ, क्रेडिट कार्ड दिखाता हूँ कैसा है, साथ साथ मैं आपको उसमें चार्जेस टर्म कंडीशन भी बताऊँगा और क्या ये आपको ओपन करना चाहिए या नहीं अकाउंट, ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। बेसिकली गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जब भी कोई भी डेबिट या क्रेडिट कार्ड मिले, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देख लेना चाहिए क्या उसकी सील ओपन तो नहीं है। अगर कुछ भी लूज या ओपन है तो प्लीज डू नॉट एक्सेप्ट, प्लीज रिटर्न द कोरियर, बिकॉज हो सकता है उसमें कुछ गोलमाल किया हो कोरियर बॉय ने। तो मुझे सही प्रोडक्ट मिला है तो इसलिए मैंने रिसीव किया। कुछ ऐसा दिखने में ऐसा लग रहा है जैसे कि शादी के कार्ड वगैरह भेजा उन्होंने, तो कुछ ऐसा दिखने में है ये इस साइड से। तो और मैं इसको ओपन करूँगा, तो यहाँ से उन्होंने ओपन करने का दिया हुआ है, ऐसे आपको ये सील ओपन कर लेनी है। ये ओपन हो गया, अंदर देखते हैं क्या क्या मटेरियल है, क्या आपको उसमें मिलेगा। तो फिलहाल मैंने सब कुछ निकाल लिया है, बॉक्स खाली हो गया, इसको रख देते हैं साइड में हटा के। तो ये कुछ उन्होंने दिया हुआ है इसका फ्रंट पेज, हाउ टू सेटल इनटू अ न्यू वर्ल्ड। तो पूरी बुकलेट है इसमें, मैं ओपन करता हूँ, अपने काम की चीज़ निकालता हूँ। फाइनली बैंकिंग देन कैन कीप। तो इसमें जो है मेरा कार्ड है, बाकी इन्होंने ये दिया हुआ है कलरफुल काफ़ी, मतलब स्टिकी है, स्टिक करें काफ़ी, आप इसको पेस्ट कर सकते हैं, काफ़ी मतलब अच्छा दिया हुआ है, मतलब कि अपनी बुक वगैरह किसी पर लगा सकते हैं, एक तरीके की बच्चों को एंटरटेनमेंट हो जाएगा। तो हम ओपन कर लेते हैं। तो गाइस, ये देख सकते हैं आप, इसके सामने इन्होंने पेस्ट कर रखा है जुपिटर का डेबिट कार्ड और इस तरह से इन्होंने इसके बारे में मेंशन किया हुआ है, कैसे इसको जो है यूज़ वगैरह करना है, थोड़ा टर्म कंडीशन वगैरह यहाँ पे होंगे, यूपीआई वगैरह। तो सब चीज़ सेम ही है, बस सिंपल डेबिट कार्ड है। डेबिट कार्ड कुछ इस तरह से दिखता है, इसको निकाल लेता हूँ। तो ये इस तरह से दिखने में इसका इंटरफेस होने वाला है, प्लास्टिक, नॉर्मल प्लास्टिक जैसे नॉर्म होती हैं वैसे ही इसका इंटरफेस होने वाला है। बाकी यहाँ पर कहीं भी फेडरल की ब्रांडिंग नहीं दी हुई, बस जुपिटर मेंशन है। ये भी आपका जो है ये वायरलेस वाला वाईफाई से इसका पीओएस मशीन से इसका डिटेक्ट होने वाला है बैलेंस। और बात करें इसका बैक साइड से, तो बैक साइड से कुछ ऐसा दिखने में होगा ये कार्ड, आरबीएल की ब्रांडिंग दी हुई है, वीज़ा कार्ड है यहाँ पे, तो कुछ ऐसा दिखने में है बैक साइड से, फ्रंट से मैं दिखा चुका हूँ आपको। अब बात करते हैं इसके टर्म कंडीशन और चार्जेस की। जुपिटर मनी के चार्जेस और डिटेल्स के बारे में, तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, सेविंग अकाउंट है जो कि डिजिटल होने वाला है और मिनिमम एवरेज इसमें जो बैलेंस होगा, एवरेज बैलेंस, वो आपको कुछ नहीं रखना, निल रखना है, जीरो। जो इंटरेस्ट रेट जो आपका अकाउंट में जो पैसा होगा उस पर 2.5 का पर ईयर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। जो डिजिटल पेमेंट मोड है उसके बारे में हम देख लेते हैं, NEFT, RTGS, UPI, कुछ नहीं देना इसके लिए, नो चार्जेस, फ्री। और इसी के साथ में अगर आप IMPS करेंगे तो 5 ट्रांजेक्शन के बाद वो आपको चार्जेस देने पड़ेंगे जो कि 6 IMPS होगा। साथ ही साथ इन्होंने टर्म कंडीशन रखी हुई है, जो है 1,000 से 1,00,000 और जो है 5 रुपये देने पड़ेंगे और 1,00,000 से 2,00,000 का इन्होंने 10 रुपये का ट्रांजेक्शन देना पड़ेगा और IMPS। डेबिट कार्ड के बारे में बात करते हैं, इसमें कुछ भी चार्जेस नहीं है, जो आपको डेबिट कार्ड मिलेगा फिजिकल कार्ड, 0 रुपीज, 0 चार्जेस। रिप्लेसमेंट अगर वो खो जाएगा तो उसके लिए भी 9 चार्जेस, कोई ईयरली चार्जेस नहीं है, कोई मेंटेनेंस चार्जेस नहीं है। तो ये रहे इसके चार्जेस की। बात करते हैं ट्रांजेक्शन, जो आप फिजिकल कार्ड से पैसा वगैरह आप निकालोगे ATM से, अगर वो फेडरल का है तो कितने भी बार निकालो, अगर फेडरल के अलावा किसी और बैंक के ATM से अगर पैसा निकालोगे तो 5th के बाद जो 6th ट्रांजेक्शन होगा उस पे आपको जो है इसमें आपको ट्रांजेक्शन देना होगा, क्योंकि मेंशन कर रखा है 20 रुपये कैश फॉर ईच विड्रॉल एंड 10 रुपये फॉर मिनी स्टेटमेंट।
और कैश विड्रॉल जो आप भारत के इंडिया के आउटसाइड से पैसा निकालोगे किसी एटीएम से, तो वो 100 रुपीज़ का आपको जो चार्ज देना पड़ेगा। साथ साथ आपने यहाँ पे बैलेंसिंग कैरी के लिए आउटसाइड इंडिया में अगर आप करते हो एटीएम से, तो 25 रुपये आपको चार्जेस देने पड़ेंगे। जीरो फॉरेक्स फी यहाँ पे कुछ नहीं है। साथ साथ आगे हम बात करते हैं तो फेडरल बैंक जो चार्जेस वगैरह फिर से इन्होंने बताया हुआ है, अगर आपके अकाउंट में पैसे नहीं है तो अगर आप उसमें जो फेडरल बैंक के किसकी और अकाउंट से, यानी कि फेडरल बैंक के अलावा SBI जैसे कोई भी ATM हो वहाँ से आप पैसे निकालेंगे, बट आपके अकाउंट में पैसे होने चाहिए वैसे। अगर नहीं हुए तो आपको 2500 रुपये का इस पर आपको एक तरह से जुर्माना देना पड़ेगा। और साथ साथ यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर आपको जो ट्रांजेक्शन है वो डिक्लाइन हो जाएगा, फी इन स्टोर ड्यू टू इनसफिशिएंट बैलेंस, तो उसके लिए नो चार्जेस दिया हुआ है। तो गाइस ये दिया हुआ है इन्होंने, चेकबुक के लिए भी यहाँ पे चार्जेस बताए हुए हैं जो कि आपको फेडरल बैंक ही इशू करेंगे, क्योंकि तो फेडरल बैंक का ये अकाउंट है। डीमैट अकाउंट के बारे में मैंशन किया हुआ है, बाकी का आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। RTGS और NEFT के बारे में बता चुका हूँ आपको, तो यहाँ पर ये कुछ और अकाउंट क्लोजर की डिटेल भी दी हुई है। अगर आपको अकाउंट क्लोज करना हो विद इन 6 मंथ के लिए 100 रुपये देना पड़ेगा, आफ्टर 6 मंथ टू 12 मंथ के बीच में करोगे तो 300 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा, और 1 साल तक आप अकाउंट चला लेते हैं, 1 साल के बाद करते हैं तो कुछ आपको चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। तो अकाउंट चला लेना गाइस, नहीं तो ओपन करा के बंद कराओगे तो चार्जेस ये लोग लेंगे। तो ECS जो होगा आपको इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सर्विसेज, उसके बारे में दिया हुआ है 350 पर ट्रांजेक्शन, जो है ट्रांजेक्शन 184 रिटर्न, जो ECS नैच जो ऑटोमेटिक डिडक्ट होता है अकाउंट से, ये उसके बारे में है, जो 350 आपको चार्ज देना पड़ेगा। और आगे हम बढ़ते हैं, अकाउंट क्लोजर के हमने बता दिया, और ये आपका लॉकर, तो लॉकर के लिए हमें और इसमें मोर डिटेल में जाके देखना पड़ेगा। सो गाइज ये छोटा सा इसका इंटरफेस था जो कि स्क्रीन पे मैंने आपको शेयर किया। सो गाइज ये रहा इसके चार्जेस। तो गाइस ऐसी वीडियो अब बनाने के लिए आपका सपोर्ट चाहिए मुझे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस।